हाय गाइस, बी टाउन ऑफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान सर की आने वाली फिल्म कभी कभी दिवाली मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल चेंज करके भाईजान रख लिया है। और दोस्तों, क्या है पूरा न्यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर सलमान खान सर के ट्रू फैन हैं तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी लिखी है साजिद नडियाडवाला ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी राइटर है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस फिल्म से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन करे। और दोस्तों, स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान और उनके छोटे भाई का रोल करते नजर आएंगे आयुष शर्मा। वहीं दोस्तों, सलमान खान की गर्लफ्रेंड का रोल करते नजर आएगी पूजा हेगड़े। जी हाँ दोस्तों, ये जोड़ी पहली बार एक साथ बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। फिल्म के अंदर हमें ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा और इमोशनल भी देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे फराज साम जी। दोस्तों, कई सारे फैंस का कहना है कि फराज साम जी बहुत ही बेकार डायरेक्टर है, लेकिन दोस्तों जब भी कभी ईद कभी दिवाली यानी कि भाईजान फिल्म थिएटर पर रिलीज होगी उसके बाद हम उनके काम के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया तो कैसे कह सकते हैं कि ये फिल्म बेकार बनेगी। बजट के बारे में बात करें तो लगभग 90 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही सलमान खान टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। हाल ही में दोस्तों सलमान खान ने उनकी आने वाली फिल्म अंतिम का एक सॉन्ग रिलीज किया था, विघ्नहर्ता सॉन्ग, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन रिलीज हुआ था। और दोस्तों, फैंस को वो सॉन्ग बहुत ही पसंद आया और क्रिटिक्स ने भी उस सॉन्ग की जमकर तारीफ की। कभी कभी दिवाली फिल्म की स्टोरी सलमान खान की रियल लाइफ पर बेस्ड रहेगी। जी हाँ दोस्तों, उनके दो छोटे भाई रहेंगे। वहीं दोस्तों, सलमान खान को शादी नहीं करनी होती, लेकिन दोस्तों जैसे ही उनकी लाइफ में पूजा हेगड़े की एंट्री होती है उसके बाद दोस्तों उनको शादी करने का मन होता है। और दोस्तों, क्या ये फिल्म के अंदर वो शादी कर पाता है या नहीं, इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा। दोस्तों, 2-3 दिन पहले इस फिल्म की एक न्यूज़ सामने आ रही थी कि ये फिल्म सेल हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्म बनेगी। साजिद नडियाडवाला ने बता दिया कि ये फिल्म बनेगी। तो अगर आप भी सलमान खान सर के ट्रू फैन हैं तो दोस्तों उनकी आने वाली फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों